ओके हेलो एवरीवन, हैव यू गाइस एनी डाउट? लास्ट क्लास कोई भी डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट. सो इन लास्ट क्लास वी सी दीज फॉर्म्स, ओके, लाइक how we classify on their basis of their test, like it may be unicellular, it may be multiple cellular, right? So these are the actually classified on their basis of their arrangement of the particular cell. So I think humne koi notes tayar nahi kiya, so let's guys write something, okay, about the test. Because at last we have some notes, right, for revision purpose. So let's write something which is important to learn. Okay. So just we will going to take a very short notes for revision purpose. जिसे आप खोल के एक बार ही open करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत कम time, which is taking very less time to revise all those things. So we will try to make a very very short or precise notes, okay? बहुत ज्यादा lengthy लिखेंगे तो फिर it will may be confused, क्योंकि वो तो सारे आपको books में भी मिल जाएंगे. So we will try to write very few and precise notes, okay? So let's first start from the test, how tests are classified. So basically test हमारा क्या था, which is generally hard part of the cells, okay? जो हमारे forums थे उनकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दे आर कंसिस्ट अ सेल, अदरवाइज दे आर ऑल्सो रिजेंबल लाइक अ अमीबा, बट अमीबा डोंट हैव एनी फ्लैजलेट्स, बट दीज फोरम्स हैविंग अ फ्लैजलेट विच इज कॉल्ड एज द सीडोपोडिया, राइट. इनको आप सीलिया, सीडो फ्लैजलेट भी बोल सकते हो, सीडोपोडिया भी बोल सकते हो, राइट, बिकॉज दीज ऑल आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज यूज फॉर प्रेइंग और कैचिंग द फूड्स. So the test you already know, which is the hard part, and the first first test, which is you can say initial chamber or initial test, which is formed by the forums, is known as the proloculus. So here unicellular, and now here multicellular. Okay, so unicellular, which is consist of single test, right? These all are having single test. Test you can say chamber, okay, chamber. तो ये जो जस्ट एक ही सेल कंसिस्ट करते हैं, वी विल सी जो हमारा सैक लाइक था, बट दिस विल बी नॉट अ सैक, सैक शुड बी लाइक दिस, ओके, ऐसा होगा कुछ सैक जो बिल्कुल फ्लैग शेप का दिखेगा, फ्लैग, ओके, फ्लैग शेप. बोथ आर दी, नो डाउट बोथ आर दी यूनिसेलुलर, बट दीज आर दी सर्कुलर, इनको हम बोलते हैं ग्लोबुलर, ओके, ग्लोबुलर शेप, राइट, जो समहाउ बॉल लाइक शेप दिखता है, बिल्कुल ग्लोब लाइक राउंडेड, एंड दीज आर दी सैक शेप्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज सैक शेप और फ्लैग शेप, राइट. Example, you know, lagina. Okay, and multicellular, which is a form which consists, basically which consists multiple arrangement, right? क्योंकि ये अगर यहाँ पे तो सिंगल है, बट यहाँ पे बहुत सारे जब सेल हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो दे शुड अरेंज, राइट, तो उनमें अब अरेंजमेंट कैसे होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड दे आर ऑल्सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर क्वाइलिंग, राइट, क्योंकि क्वाइलिंग भी एक बहुत डिफरेंट फीचर है. अकॉर्डिंग टू देम दीज चैम्बर, लाइक चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे बाई सेलुलर हो, नाउ दे आर ऑल्सो क्वाइल्ड, ओके. क्वाइलिंग मीन्स जस्ट आप उनको एक सर्कुलर वर्ल मोशन दे दो, तो नाउ दे आर गोइंग टू क्वाइल. हम क्वाइलिंग बोलते हैं ना, ये क्वाइलिंग है, तो दीज आर दी also classification based on their coiling. So कैसे coil होंगे, we will see. Okay, so let's first see, this is the first one,
and this will be second one, which is multicellular and consists multiple arrangement in the chamber, right? Multiple arrangement in the chambers. So first we know which is unicellular. Second is the bicellular. Because you guys are confused, that's why I made this chart. Okay, so अब इनके अंदर बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है विच इज जस्ट बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. लाइक पहले यूनिसेलुलर थे, फिर दे आर जस्ट इनिशियल स्टेज में उनका फॉर्मेशन तो प्रोलोकुलस से हुआ, बट सम हाउ दे आर गोइंग टू डाइवर्स, तो उनमें जस्ट मल्टीपल चैम्बर्स और भी आ गए. ओके, सो बट एट लास्ट वॉट वी गेट अगेन यूनिसेलुलर और बाईसेलुलर. तो उनके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट दिस इज ऑल वेरी वेरी बेसिक थिंग. ओके, यहाँ पे यूनिसेलुलर दे आर कंसिस्ट ऑफ दी वन सिंगल चैम्बर, राइट, वन सिंगल रो ऑफ चैम्बर, सॉरी रो आप ऐड करो बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंगल चैम्बर बट दिस इज द रो ऑफ चैम्बर, राइट. बहुत सारे रो मिलेंगे आपको, रो ऑफ चैम्बर्स, रो लाइक अ सीरीज. ओके, पर्टिकुलर चैम्बर के सीरीज, एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू rows of chamber, right, and this is basically, obviously they are having three rows of chamber like this, ek do and these are three. Okay, so both are having three chambers. Okay, inko hum triserial bolte. At last one chamber which is prolocular. So this table you have to remember कैसे unicellular से multicellular, और भी बहुत सारे classification है guys. These are the actually next one which is based on their shape of the particular chamber. अभी chamber जैसे आप एक देख सकते हो यहाँ पे which is globular in shape and another is the flag shape, but they are somehow reticulate type. Okay, ऐसे भी आपको कुछ chamber मिलेंगे forums में, आपको कुछ ऐसे भी चैम्बर मिलेंगे बिल्कुल फ्लैट. ओके, इलोंगेटेड टाइप, एंड दीज आर द रेडिएटेड वन. ये अभी हम देखेंगे, जस्ट फॉर इंटरेस्ट आई टेल यू, दीज आर द रेडिएटेड वन, दीज वर लाइक टेबुलर वन, सैक वन, एंड सम हाउ हेमिस्फेरिकल. ओके, जो कुछ बिल्कुल बिल्कुल हाफ बॉल की तरह दिखेंगे. सो बेसिकली ये दिस इज नॉट बेस्ड ऑन देयर चैम्बर, बट दिस इज द बेस ऑन देयर शेप. Shape of what? Shape of the particular test. Okay, और test किसका? हमारा forums का. तो we will see कि ये कैसे shape भी change करते हैं, right? So ये तो हमने last time देख लिया था, but we don't write any things, right? So I think this is done, guys. Till now, any doubt? Write these things which is important for the revision purpose, right? So let's move one by one, uniserial, triserial and biserial. So for their definitions you can these one. Okay, uniserial which is having a chamber in single row, you can see this is the uniserial. Okay, biserial with two row. Okay, first, okay, these all are the first. And these are the again, these are the first row here. This is first row and this is the second row. Okay, so these are the biserial, two series are there. Okay, and triserial, name suggests three series. Okay, one, two, and just opposite to it, this is the top, and you can see one series, two series, and this is the third series. So this is the triserial. Okay. सो ट्राई सीरियल में भी दो क्लासिफिकेशन आते हैं. फर्स्ट वन इज दी, ओके आई हैव दैट स्लाइड आल्सो, दिस वन. ओके, ट्रोको स्पाइरल. सो ट्रोको स्पाइरल, दीज आर आल्सो यू कैन से कॉनिकल. ओके, कॉनिकल और हेक्स हेलिकल शेप, और यू कैन से हेलिक्वाइडल. ट्रोको स्पाइरल, दीज आर दी हेलिक्स अराउंड अ पर्टिकुलर फॉर्म्स. ओके, ये जो फोरम्स हैं, दे आर जस्ट टर्न आउट, वो ड्यू टू स्पाइरलिंग मोशन. ओके, ये जस्ट स्पाइरल हो गए. ओके, दे आर जस्ट ट्विस्टेड अराउंड द पर्टिकुलर एक्सिस, एंड एक्सिस शुड बी
vertical. Okay. But let's see these points first. Okay. So trochospiral generally triserials होते हैं. So we will see. ये guys, this is note down. This is done, guys. Please respond. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, okay. Ma'am, please give example of every serials. Okay. So आप last class देखे थे guys. Last class में these are all are the example, right? This is all example of the uniserial biserials. So first, actually, I add this slide to understand, or you have to know the definitions also, right? So that's why I add this slide for the definition purpose. So the examples are just in another slide, okay? Madam, please will you share the example of the once again? Okay, okay. ओके दिस इज डन राइट ये सबका हो गया. कैन यू टेल मी गाइस इसका अपर्चर कहाँ होगा. यू सी दीज आर दी अपर्चर एंड हियर दिस इज द अपर्चर. बट इन द केस ऑफ फिगर 5 यू कैन सी फिगर 5 वेयर इज द अपर्चर. मैम वो ट्यूब लाइक जैसे ऊपर में होगा ना आई थिंक. यस 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 यू आर राइट. ओके सो दीज आर दी एक्चुअली अपर्चर. अगर आप इसको अपर व्यू देखोगे जस्ट तो यू कैन सी दीज आर दी ट्यूब लाइक. ओके दिस इज दी ओपन ट्यूब लाइक. ये बिल्कुल आपको ट्यूब जैसा मिलेगा जहां से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होगा. जो भी एक्सटर्नल वाटर और हमने देखा था कि जो भी मूवमेंट होते यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से आपको फ्लैजलेट्स दिखेंगे. ओके फ्लैजलेट. बट यू कैन सी यहाँ पे कोई भी फ्लैजलेट नहीं है बिकॉज दीज आर दी एक्चुअली अ फॉसिल. And this is all are the same image, okay? Scanning electron microscope, okay? ये उनके अंदर ये real है, but these all are the same microscopic photographs. So you can see these are the aperture, but here aperture is you can see at the top, which is just tube like. So aperture is there. Aperture बहुत important है. भले आपको photographs में view नहीं होंगे, but aperture is there. You can see this is not view here, okay? Aperture आपको यहाँ नहीं दिख रहा because this is the just opposite. Same image है, you can see one part and just opposite to it, you can see the aperture is here. So aperture is very much important. So you can write down this definition. I think this is already done, but if you want to write down, you can write down, okay? Unicellular, which is lagina, you can say again single chamber or uniserial. Which is generally straight. Yeah, you have to remember this terminology, okay? Rectilinear. Sometime आपको ये uniserial straight की जगह आपको rectilinear भी word दे सकते हैं, right? So nodous area and uniserial curve which is curvilinear. Just remember curve से curvilinear, rectilinear which is straight, okay? And bolivina and loxostomum, these are the which is बाइसीरियल से यूनिसीरियल हुआ. बाइसीरियल यहाँ हुआ टू सीरीज एंड एट लास्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू वन सीरीज. ओके कैन आई मूव फर्दर गाइस. दिस इज ऑलरेडी डन. सो यस मैम. ओके सो नेक्स्ट वन इज दी दिस वन. ओ सॉरी यस नेक्स्ट वन इज दिस वन. यू कैन सी ट्राइसीरियल अरेंजमेंट एंड ट्राइसीरियल थ्रू आउट यू कैन अंडरस्टैंड. जस्ट उनकी जो पूरी जर्नी ही है थ्रू आउट देयर जर्नी इनका पूरा ही 3 सीरीज है. ओके 1 2 3. सो हियर ब्लैक डॉट इज शोइंग अपर्चर. सो देयर आर 3 थ्रू आउट देयर जनरेशन. ओके यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हुआ बट या एट स्टार्टिंग इनिशियल देयर 1 फिर यहाँ से इनको 3 में डिविजन हुआ एंड दे स्टिल एट द 3. ओके एंड यहाँ पे इनको एक ओपनिंग मिला विच इज यू नो दैट विल बी अपर्चर एंड हियर यू कैन से द सेम. ओके बट एट लास्ट ये यहाँ से आके समहाउ कुछ स्पीसीज में दे आर गोइंग टू डाइवर्स अदरवाइज दे आर अगेन शोइंग ट्राई सीरियल से बाई सीरियल तक.
बट सम स्पीसीज आर देयर विच इज जनरली शोइंग यूनिसीरियल, वहां से भी जब फर्दर ग्रोथ होता है तो दे कन्वर्टेड इन टू वन सीरीज. ओके फर्स्टली दे आर सॉरी प्रोलोकुलस देन ट्राइलोकुलस. ओके आई एम जस्ट मेकिंग वन सिंगल चैम्बर, देन दे आर कन्वर्टेड इन टू बाई. ओके फर्स्ट वन देन थ्री एंड देन टू. ओके दिस इज थ्री एंड टू. वन इज अंडरस्टूड, दैट्स वाई दे आर नॉट रिटन बाई, क्योंकि वो प्रोलोकुलस हमेशा इनिशियल एक ही से स्टार्ट होता है. हमने कल लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो प्रोलोकुलस था जब भी वो टेस्ट फॉर्मेशन करता है तो वो क्या करता है गाइस, दे आर जस्ट सेटल डाउन एट द बॉटम. तब उनके जो फ्लैजलेट्स थे, कल जो हमने वीडियो देखा था उसमें देखा था कि द फ्लैजलेट इज नॉट एट दैट टाइम. ओके क्योंकि वो जो अपनी एनर्जी थे वो सेव कर रहे थे. वो किस लिए सेव कर रहे थे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेस्ट, राइट. फिर वो उनका जो ऐसे एक चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, सो लास्ट जो ट्रांसपेरेंट वाला चैम्बर था दैट वॉज द अगेन फॉर्मिंग अ न्यू चैम्बर. And that time they are not using their flagellate because उस time वो proper खाना वाना सब कुछ करके वो just formation of new cell के process में थे. जैसे ये new formation cell बन जाता है then again they are going to move and use their the flagellate. Okay? So flagellate generally हमें fossils में नहीं मिलता है because this is the soft part which is just decay. Okay? ये decompose हो जाता है. Only the hard skeleton और internal organs obviously they are also not preserved. Soft part fossils में convert नहीं होता है. So only the hard cells are preserved there. So let's see something new. Okay? Which is now I told you कि कुछ coiled arrangement हमने अभी देखा है कि they are just arranged in the series, right? अब हम देखेंगे कि वो क्वाइलिंग कैसे करेंगे, बिकॉज वी नो कि दे आर लॉट्स ऑफ द वैरायटी. हम अभी आपको फोरम्स, अभी आप यूनि सीरियल्स देख रहे थे, बाई सीरियल्स देख रहे थे. नाउ यू कैन से सी दिस इज द प्लेन स्पाइरल, राइट, एंड दिस इज द ट्रोके स्पाइरल. आप इसको जस्ट साइड व्यू नहीं दिया है बट यू कैन सी ट्रोके स्पाइरल शुड बी लाइक दिस. ओके लास्ट वन हियर गाइस, कैन यू टेल मी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. Okay, I draw again. Suppose this is okay, this part and this part, A and B. Can you name the position of these forums? Apex by looking and the base, this spiral. Apex yes. And the base. You are right, but there is a just a one term logic, okay? One particular terminology related to this, because base or hum direct aise nahi bol sakte. You can see here dorsal side or ventral side, ventral side, right? But according yes, last class mein humne dekha hai guys, can you remember dorsal and ventral? This is obviously base, you are right, no doubt this is the base. But generally base we are using in gastropod. Base ko ventral. Yes, but actually I am asking about. Okay, I will give you option two option. Okay, spiral and umbilical. Okay, umbilical. The spelling. Umbilical hai yahan par. Yes. Umbilical. So, A or B? Which one is the umbilical? B, ma'am. Exactly, exactly. Now you are right. Okay, top or base? Yeah, they are the, you can say top or base. But according to this, how we classify? So you should write down. This will be the dorsal side. Okay, dorsal side, and this will be the ventral side. And also known as the umbilical. Okay. अम्बिलिकल जनरली ये क्या होता है? डिप्रेशन जोन होता है, डिप्रेशन होता है. ओके डिप्रेशन. एंड नाउ दिस विल बी द इलिप्टिकल पार्ट, लाइक इलिप्टेड होता है. यू कैन सी आपको ऐसा माउंटेन जैसा दिख रहा है, राइट. सो ये इलिप्टिकल पार्ट है बिकॉज यहाँ से स्पाइरलिंग, ऐसे ऐसे स्पाइरलिंग हुई है, राइट. और एट द एंड दिस विल बी द लास्ट चैम्बर, लास्ट चैम्बर. एंड नाउ कैन यू टेल मी दिस इज फर्स्ट राइट डाउन दिस इज द स्पाइरल वन. ओके ये स्पाइरल वन है बिकॉज यहाँ से स्पायर पूरा ऐसे हुआ है, क्लियर. और ये आप इनका जस्ट आप सेंट्रल व्यू देख सकते, जैसे आप
जैसे इसके टॉप व्यू आप यहां से देखोगे तो यू विल लुक लाइक दिस, ओके, ये आपको ऐसा दिखेगा। इसके टॉप पे अगर देखोगे तो दिस स्पायर ये आपको सेंटर में दिख रहा है और ये सारे ऐसे गए और इसके जस्ट अपोजिट आपको बेस है। ओके ओके, फ्रॉम दिस इमेज कैन यू टेल मी वेयर इज द अपर्चर ए और बी? एवरीवन, व्हिच इमेज मैम? यस यस, दिस वन व्हिच आई ड्रॉ फर्स्ट। ओके वेट, this one, this diagram, okay, where is the aperture? B. Ma'am, O A par. Guys, can you tell me where is the aperture? Ma'am, aperture will be with central side, ma'am. Yes, everyone correct, okay, सभी ने सही जवाब दिया, it will be B at here, okay, aperture, because we know aperture is always as the form at the last chamber, right, and spire, and this is the, this point A is the prolocular, okay. Now I think clear to everyone, ab samajh mein aa gaya sabhi ko, okay, this is actually a basic, but sometimes people may confuse, yahan se generation spiraling start hui, right, spire yahan se hamesha start hoga, to it should be initial. तो ये इनिशियल है और लास्ट चैम्बर पे, अगर सपोज ये भी लास्ट चैम्बर है, दिस इमेज गाइस, दिस वन, ओके, दिस इज द लास्ट चैम्बर, सो अगेन दिस विल बी द अपर्चर, राइट, एंड दिस विल बी द प्रोलोकुलस एंड दिस इज ए अपर्चर एंड प्रोलोकुलस। अब क्लियर हो गया सभी को, ओके, सो लेट सी क्वाइलिंग अरेंजमेंट, हाउ दे आर क्वाइल्ड। सो प्लेन इज स्पाइरली क्वाइल्ड, विच इज यू नो प्लेन, एक सिंगुलर प्लेन हो गया विच इज जस्ट नॉर्मल, और यहां से सारी प्लेन, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, सिंगल प्लेन, जस्ट यू कैन इमेजिन द क्वाइल, ओके, जो मॉस्किटो क्वाइल होता है आप उसको देखो, एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा, प्लेन स्पाइरल, द स्पाइरल इन पर्टिकुलर प्लेन। अब इनके अंदर दो एग्जाम्पल आते हैं, प्लेन स्पाइरल इवोल्यूट एंड प्लेन स्पाइरल इनवोल्यूट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूट एंड इनवोल्यूट? मैम जो ठीक से नहीं, वो पीबीएस नंबर के साथ उतनी भी टच नहीं कर नहीं ऐड सकते, वो इवोल्यूट है वो, और जो एक माने थोड़ी से टच माने वो एक टू ज्यादा उससे से ज्यादा टच करते वो इवोल्यूट होता है, इवोल्यूट से ज्यादा। ओके ओके ओके, यू आर राइट समहाउ राइट, बट लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स, ओके। सो इवोल्यूट जैसे आपका ये चैम्बर है, राइट, दिस इज प्रोलोकुलस, और यहाँ से जो चैम्बर ऐसे फॉर्म होता है ना, राइट, सो दीज आर एक्चुअली वॉल्स आर विजिबल, आपको सारे वॉल्स विजिबल होते हैं, ये पूरे आपको वॉल्स गाइस क्या होता है, यू रिमेम्बर वॉल्स हमने गैस्ट्रोपॉड्स में देखा है, डब्ल्यू एच ओ आर एल एस, ओके। वॉल्स जनरली वर्लिंग रिएक्शन जानते हो, वर्लिंग एक्शन, सपोज अगर आप एक बाल्टी में पानी को स्टिक से घुमाते हो तो हाउ इट्स मूव वर्ल लाइक ना, एक बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ऐसे वर्ल्स जैसे फॉर्म होते हैं, एक्चुअली दिस वर्ड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर। वर्ल्स मीन्स दे आर टोटली रोटेट, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट कर जाता है, इट जस्ट सर्कुलर मोशन, एंड हाउ इट्स रोटेट, इट्स अराउंड 360 डिग्री, ओके, जस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है एंड दिस इज अगेन रोटेट। सो वर्ल मीन्स बेसिकली अ चैम्बर विच रोटेट टोटली एंड कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन, ओके, एक पूरा रिवोल्यूशन कम्प्लीट करता है एंड मेक्स 360 एंगल बनाता, लाइक पूरा एक सर्कुलर मूवमेंट शो करता है, उन्हीं को हम वर्ल बोलते हैं, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया इसने और यहाँ से पूरा वर्ल, and now it's complete 360 degree, okay, so now you can understand ki ye wall ke ho kis kar hai, basically the wall is going through this chamber, ye chamber hi wall kar raha hai and 360 pura rotate kar raha hai, right, so isi ko hum wall bolte hain, so isme kya ho raha hai, evolute, this is the case of evolute where all chamber, सॉरी नॉट चैम्बर, वॉल्स, यू कैन से वॉल्स बिकॉज ऑल चैम्बर्स, तो ये पर्टिकुलर चैम्बर हो गया ना, चैम्बर मतलब यू कैन से रूम और बॉक्स, एक जो बीच के दो बीच के सूचर होते हैं उनको हम चैम्बर बोलते हैं, सो इट्स बेटर टर्म टू यूज दी वॉल्स, ओके।
The walls are visible. Okay, simple term. The whole walls are visible. You can see ये prolocular से पूरे walls आपको visible हो रहे हैं. Guys, you have to remember because ये cephalopod में भी बहुत use होता है. Evolute, involute. So don't confuse. Just आप एक बार याद कर लो. ये terminology बहुत common है. आपको सारे phylum में आपको ये words सुनने को मिलेंगे, right? So evolute generally क्या होता है कि you can see these all are the visible and they are touch each other. But in the case of involute कैसे दिखेगा? These are the prolocules and like this, okay? So जो इनका actually I don't make that much good diagram, so I will show you in image. This will be the involute, okay? So you can see this will be better one. You can see कि ये जो center वाले आपके जो coil हैं, जो spires हैं, you can see जो wall हैं, chamber, they are totally embarrassed by this outer one, okay? Outer one से ये बहुत ज्यादा connected है, वो उनको close कर रहा है. You can see बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है. और इसमें आप देख सकते हो कि आपको पूरा whirling action दिख रहा है, पूरे chambers बिल्कुल एक circular way में कैसे coiled हुए हैं. You can visible the coiling, you can visible. You can see the chamber, right? पूरे chamber कैसे coil हुए हैं. But in this case, you can see कैसे form हो रहा है, deform हो रहा है ना, ऐसे deform हो रहा है because they are embracing or you can say the enclosed. Enclosed by what? They are going to enclose by this outer wall, okay? So they are very much going to affected by this outer wall, okay? See, the prolocular is not clearly visible. If I erase this one, okay? You can say prolocular is visible? No. Here you can see prolocular is the visible, okay? So these are the actually difference between evolute and the involute. In this diagram, you can clearly see. Okay, guys, doubt? Kisi ko doubt? You can't see here the prolocules because these are the enclosed by this outer layer. Okay, outer layer ne usko bilkul chupa diya, bilkul hidden kar diya. Hidden. Uske upar jo hamara outer layer hai, jo you can say the wall hai. They are very much prominent. वो इतने strong है कि जो बीच का portion है, which is initial chamber prolocular, जो initial और prolocular chamber है, वो बहुत ज़्यादा hidden होता जा रहा है, right? So that will be known as the involute. And you can see this is the same image, okay? So you can't see here the prolocular because prolocular थोड़ा सा depression zone show करेगा ना, depression zone करेगा, फिर उसके बाहर की जो chambers है, वो ऐसे दिखेंगे. But you can't see here, these are the actually enclosed by this outer wall, okay? So this is the difference between evolute and involute. And ek aur terminology aata hai, which is convolute. Usme yahan pe aapko partially enclosed milega aur usme totally enclosed milega, wo bilkul hi aapko nahi dikhega, uska image somehow like this, okay? बस आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिखेगा, ये पूरा ही बिल्कुल छुप जाएगा. आपने वो सेफलोपॉड में देखा होगा, बिल्कुल ऐसा दिखता है, छोटा सा एक वॉल देन आउटर लेयर. सो वो हमारा कॉन्वोल्यूट होता है, ओके? सो वी आर हियर इनवोल्यूट. दी आउटर वॉल्स इम्ब्रेस the major part of inner wall. Okay, this is actually the inner wall which is totally enclosed by the outer wall. Okay, this is the inner wall and this will be the outer wall. Okay, and now inner wall is totally enclosed by outer one. Okay, clear? But इसमें ऐसा कुछ नहीं है, they are just freely developed, okay? Partially touch कर रहे हैं एक दूसरे को ये सारे wall,
और बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं, जस्ट क्वाइल कर रहे हैं इन प्लेनी स्पाइरल मैनर. ओके, एक प्लेन में दे आर जस्ट सिंपली क्वाइलिंग. दिस इज क्लियर राहुल, सुप्रिया? यस मैम. ओके, एनी अदर, एनी डाउट? निशिता, प्रवीण, ऑल आर क्लियर गाइस? यस मैम. ओके ओके, सो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सेफलो में भी आता है. ओके, सो नाउ सी दिस इज द क्लासिफिकेशंस, राइट? लेट मी क्लियर. ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ओके, जस्ट बेस्ड ऑन देयर द प्लेनी स्पाइरल एंड ट्रोकी स्पाइरल. ओके, लेट्स फर्स्ट राइट अबाउट द प्लेनी एंड ट्रोकी स्पाइरल. ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो हियर कोनी स्पाइरल, दिस इज एक्चुअली बेस. पहले हमने देखा था कि सिंपल टेस्ट का अरेंजमेंट, बट वी कैन सी द क्वाइल्ड अरेंजमेंट, राइट? सो क्वाइल्ड अरेंजमेंट बेस ऑन देयर टू टाइप्स, विच इज द फर्स्ट वन इज द प्लेनी स्पाइरल और प्लेनी स्पाइरल टेस्ट. सेकेंड वन इज दिस इज मेक अ टू टेबल, राइट? And this will be helicoid, okay? Helicoid, or you can also call it as the trochospiral test. So how we can differentiate these two? So in this, when successive chamber are arranged spirally, okay, around growth axis. This is important. Growth axis kya hoga inka? Suppose if you want to make a diagram, this is the prolocus or this is the whole chamber, okay? सो इनका ग्रोथ लाइन कहाँ होगा? इनका ग्रोथ लाइन एग्जैक्टली इनके प्लेन में लाई करेगा. जस्ट आप ऐसे अगर इमेज प्लेन, सो अगर ये प्लेन है तो इनका ऐसे लाई करेगा, राइट? ऐसे. सो दिस इज द प्लेन, एक्चुअली जस्ट प्लेन के ऊपर स्पाइरल कर रहे हैं. सो जो इनिशियल जो वर्ल है, जो इनिशियल प्रोलॉकुलस है, जैसे जैसे इनका ग्रोथ बढ़ेगा, सो दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्रोलॉकुलस. ओके, जैसे एक एक लेयर बना, एक चैम्बर बना, दूसरा चैम्बर बना, जितना ही चैम्बर बनता जाएगा उतना दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्रोलॉकुलस और अवे फ्रॉम दिस सेंटर, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दे आर मेकिंग सक्सेसिव चैम्बर, राइट? एक के बाद एक चैम्बर बनता जा रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस स्पायर और अवे फ्रॉम दिस प्रोलॉकुलस. सो दिस विल बी नोन एज द प्लेनी स्पाइरल टेस्ट. एंड sorry and next one is the this is actually important rate of translation of aperture is practically zero, right? iska matlab kya hai ki translation rate of translation because लाइक अगर सपोज ये जो इनका एपर्चर का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम में है, वो ट्रांसलेशन शो नहीं कर रहा है. ट्रांसलेशन मीन्स दिस इज सपोज एक प्लेन है, अगर ये आप इसका प्लेन देखोगे
तो ये ऐसे चेंज हो रहा है, एक ही स्पाइरल में चेंज हो रहा है. अगर ट्रांसलेशन होता तो दे आर जस्ट शोइंग अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट. ट्रांसलेशन यू कैन सी दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन, बट ये चेंज डायरेक्शन नहीं कर रहे. अगर आप इसको ग्रोथ लाइन लेते हो तो दे आर गोइंग टू प्लेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ट्रांसलेशन जीरो है. ट्रांसलेशन मतलब दे आर नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, राइट. अपर्चर शुड बी देयर इन पर्टिकुलर सिंगल प्लेन. And now, can you tell me, guys, ki these are showing which kind of symmetry? Symmetrical, bilateral symmetrical, or asymmetrical? Generally, plane spiral. This is important question. They may ask ki plane spiral is generally showing what kind of symmetry? Can you guess, guys, by just looking this diagram? Ma'am, after rate of which is written? Translation. Rotational movement, translation movement in a structural geology, you may be heard, okay? Translation, T-R-A-N-S-L-A-T-I-O-N, okay? Translation movement, they are not affected by changing their direction. The growth should be in particular direction, okay? Ek hi direction mein. Translation isme hoga. Helical coil. I show you this image right here. These are the showing translation direction, okay? Translation movement ho raha hai. But this is not going to happen in this plane spiral. So the question was ki they are showing what kind of symmetry. So they are generally showing perfect bilateral symmetry. Bilateral symmetry kya hota hai? Is image ko particular ek just mirror half mein kaat de, okay? Bi means two, lateral you can understand just laterally if you divided this particular object in the two part, okay? So now this will be the mirror image, okay? First mirror image and this is second mirror image. So this is generally showing bilateral symmetry. Okay. So now come to the helical or helicoidal or trochospiral test. Okay, ये कैसे होते हैं? Let's see. When the chambers are arranged spirally, okay? ये तो बहुत easy है. Spirally arranged हो जाएंगे, जैसे you can see in this image. Just spiral along a particular direction, okay? ये just vertical हो जाएंगे. These are the singular plane mein and these are the vertical, okay? You can see these are making 2D and this will making 3D, okay? You can just remember from the 2D and this will making 3D, right? Three directions show karenge, but these are only 2D. So, spirally around axis. And they are showing generally, yeah, they are showing rate of translation, okay? Rate of translation. Showing rate of translation. And symmetry, what about the symmetry? So these are generally asymmetrical. Because, ab you can see ki ye bhi to aap center se divide kar sakte ho, right? आप इसको सेंटर से डिवाइड कर सकते हो. ऑब्वियसली दिस इज अगेन मिरर इमेज फर्स्ट एंड अगेन दिस इज द मिरर इमेज सेकंड, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द ट्रोको स्पाइरल और हेलिकल क्वाइडल, ओके? दे आर नॉट सिमेट्रिकल इन नेचर. सो गाइस, कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस? एनी गेसेस और एनी आइडिया व्हाई दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल वन? बिकॉज दिस इज ऑल्सो लुकिंग द सेम, राइट? अगर सेंटर से डिवाइड करोगे तो दे में divided into two equal half. Because it is not lying in the same plane. So, I think okay. Any another? I think absence of aperture in both sides. Okay. But actually the strong reason. Aur koi try karna chahega? Anyone, guys?
बिकॉज ट्रोको स्पायरल में जो हमने देखा है, ट्रोको स्पायरल जनरली क्या होता है कि लेट मी शो यू इमेज, ओके आई विल ट्राई टू ड्रॉ. जैसे ये एक चैम्बर है, राइट, सपोज दिस इज द अपर्चर साइड, फर्स्ट आर प्रोलोकुलस, ओके, फिर दूसरा चैम्बर ऐसे हुआ, तो तीसरा चैम्बर ऐसे हो गया, ओके, चौथा चैम्बर ऐसे हो गया. तो सम हाउ दे आर मेकिंग लाइक दिस, सो दे आर नॉट ईजी टू डिवाइड इन टू टू हाफ, ओके, कुछ बीच में से ही कट हो जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड. अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस चैम्बर इज नाउ नॉट प्रेजेंट हियर ऑल्सो, ओके, इस ये चैम्बर का तो बाउंड्री यहीं पे फिनिश हो गया, सो दैट्स वाई दे आर एसिमेट्रिकल. जो हम गैस्ट्रोपॉड में देखे, जैसे लेट्स फॉर से एग्जाम्पल गैस्ट्रोपॉड, आप गैस्ट्रोपॉड का सेल देखोगे तो अपर्चर इज बी देयर, ओके, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज अपर्चर इज फाउंड एट द अनदर साइड, मीन्स जस्ट अगर आप इसको राइट बोलो तो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में अपर्चर है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल वन. हाँ, अगर अपर्चर ऐसे होता सेंटर में होता, पर ऐसा तो होता नहीं है कोई केस की सेंटर में अपर्चर है. जैसे फॉर देयर केस, अगर अपर्चर यहाँ होता तो दे मे बी बायलैटरल सिमेट्री, राइट, बट दिस इज द नॉट केस इन द गैस्ट्रोपॉड. They are having a sided aperture. एक साइड आपको aperture दिखता है, but you can see that this a trochospirally they are changing their direction with their chamber. Okay, जो chamber form होता है वो direction भी change होता है, but plenispiral just chamber. Okay, they are just formed due to whirling action. वो whirling action की वजह से their chamber are form a coiling. एक particular coiling form करता है. So these are can be just bilateral symmetry. Okay. बट दिस इज चैम्बर इज नॉट कंटिन्यूअस, चैम्बर ऐसे ऐसे फॉर्म हो रहे हैं. ये आपने इमेज में देखा है इधर, सी दीज आर दी नॉट पर्टिकुलर, एक जगह आपको दिखेंगे. सो ट्रोको स्पाइरल और भी इमेज है, आई हैव, यस यू कैन सी दिस वन, ओके, दिस इज द गुड डायग्राम. You can say the chamber is now irregular in shape, right? और irregularity है इनके बीच में, कोई भी आपको regular नहीं दिख रहा है, okay? यहाँ पे single है, यहाँ पे double है, फिर ये, but these are the you can say these all are the trochospiral spiral, क्योंकि trochospiral should be have 3D, okay? ये vertical जा रहे हैं, motion कर रहे हैं, helical coil और helical ऐसा ही shape होता है, right? जो हमारा sigma structure, वो हमारा जो DNA का structure होता है, उन्हीं वहां से I think I also repeat this again. Helical जैसा shape आता है, इसी से बना helical coil. Okay. So you can see यहाँ से spiral छोटा chamber. तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे chamber बढ़ा, वैसे वैसे coiling इनकी, और ये actually ये show कर रहा है जैसे जैसे chamber का बढ़ रहा है size, वैसे वैसे spiral बढ़ता जा रहा है, right? So this is high trocho spiral. Yeah, you remember this is the high trocho spiral. And this is the low troco spiral, right? ये भी एक classification है troco spiral का. Low troco spiral. ये low troco spiral क्यों है? Because they are flat, somehow flat, okay? इतना. But this is the high because troco spiral generally क्या show रहा है? Helical coiling. तो helical coiling should be strong in this case, right? This ये तो बहुत ज़्यादा flat हो गया. At the time you can see ये इतना flat हो जाएगा कि you may confuse कि कहीं ये plenispiral तो नहीं है, okay? So this is the difference between low trocho spiral and high trocho spiral. Trocho spiral generally you can say vertical coiling, लेकिन इसमें vertical के साथ साथ lateral भी हो रहा है, right? Vertical तो यहाँ से था, but laterally they are also flattening. So this is the difference. इसमें किसी को doubt? Guys, मैम low lateral vibe written the low lateral यहाँ पर तो laterally तो ज़्यादा है ना वो troco spiral में ये left side का. नहीं 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 एक मिनट, वैसे I can't get you what you want to ask. आप बोल रहे हो कि ये plenary spiral जैसा हो गया. Actually, this is high troco spiral. The difference you can see यहाँ पे laterally movement भी है और vertical भी है, क्योंकि ये center से coiling हुआ,
somehow ऐसे से बढ़ता गया. अगर ये क्वाइलिंग, अगर सपोज प्लेनी स्पाइरल हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, सो प्लेनी स्पाइरल शुड बी लाइक दिस. ओके, तो दिस इज सम हाउ डिफरेंस, राइट. ये पूरा प्रॉपर, क्योंकि ट्रांसलेशन मूवमेंट ही नहीं वो शो हो रहा है. ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या था, ऐसा ट्रांसलेशन मूवमेंट शो करता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज करते करते क्वाइलिंग करे. बट दिस इज नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन इन द केस ऑफ प्लेनी स्पाइरल. बट इन हियर ट्रोको स्पाइरल में वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है एंड लेटरल मूवमेंट भी हो रहा है. बट हियर यू कैन से दिस इज द, यू कैन से नैरो वन एंड दिस विल बी द वाइडर वन. ओके, wider and this will be the narrow. So narrow should be high na. High kyun hoga? Because isme bahut zyada helical coiling hai aur ye bahut lambe time tak chalega. But this will be with a flat. Okay, aate aate aapko bahut zyada plane spiral laterally zyada ho jayega. Now clear? Yes ma'am. Actually main wo mein low lateral dikha tha isliye. Theek hai ma'am. Okay. So दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. इनके बेसिस पे भी आपको दो फोरम्स मिलेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट टू नो. सो ना, यस, सो नाउ दिस इज द प्लेनी स्पाइरल कॉइल. प्लेनी स्पाइरल के कॉइल अब आप समझ गए कि इवोल्यूट क्या होता है, विच इज विजिबल. सो एग्जाम्पल यू हैव टू नो विच इज द ऑपरकुलीना. ओके, ऑपरकुलीना विच इज जस्ट हियर द चैम्बर आर विजिबल. But in the plenary spiral involute, you can say inner chamber are not visible because this outer walls are totally visible. You can see, clearly see outer walls are visible, but inner walls are not visible. Okay, not visible. Here you can say externally sab visible hai, sab kuch visible hai. So this is the involute. Example, Elphidium. Elphidium is very actually this is a very famous forums. इनके बहुत सारे characteristic हैं. ये इनके basis, like you can say इनके suture पे भी इनको differentiate किया जाता है. इनका suture बहुत unique है जो कि इस image में बहुत clearly नहीं दिख रहा है, but आने वाले slide में हम Elphidium को भी देखेंगे, right? तो you have to remember this name because this is having very prominent unique feature. So Elphidium is important, Nodotheria is important. So you have to remember particular forums. Okay, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा. Like Globigerina, okay? ये सारे कुछ बहुत unique forums है. ऐसे तो diversity is very much large, बहुत vast है. But हम कुछ को importance देते हैं which is very much important for our study. Okay? So second classification is the trochospiral. Again, same thing, which is coiling in the helical direction or which is just vertical in direction. So, इनके the high में हमारे आते हैं glera bradytella, okay? Glera bradytella, and the low coiling, which is CB side, okay? CB side somehow ऐसा दिखता है. ये कुछ ऐसा flat हो जाता है. They are also showing यहाँ तक आपको helical coiling दिख रहा है, right? यहाँ तक helical coiling दिख रहा है. But now they are laterally ज्यादा coiling दिख जाएगा, like a plane spiral. So these are the low troco spiral which is showing generally CB sides. Okay, you have to just write down this particular forums. So this is done. Okay, guys. So let's see. This is important again. ओके, सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट वन. अभी तक हमने क्या क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर अरेंजमेंट, फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वाइलिंग. नाउ वी सी कि और क्वाइलिंग लाइक जो चैम्बर्स है, जो सेल्स हैं, उनमें क्वाइलिंग डिफरेंट हो जाए. सपोज अगर आपने देखा ये प्लांटिक फोरम्स आर जनरली लाइक दिस. ओके, बबलर शेप होते हैं, दे आर काइंड ऑफ बबल शेप बिकॉज ऑफ टू क्रिएट अ गुड बायंसी. और इनमें बहुत बड़ा अपर्चर होता है, ओपनिंग पोजीशन होता है, ताकि ये बहुत अच्छा फ्लोटिंग मूवमेंट कर सके. ओके, सो दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक विच इज फाउंड इन प्लैंक्टोनिक. सो ये कैसे फॉर्म हुआ, दिस ग्लोबुलस वाले सेल्स वी सी इन दिस स्लाइड. ओके, सो फर्स्ट वन इज द बाइलोक्विलीन. ओके, so actually these are the also kind of spiral or you can say kind of coiling, but some these are the some special cases. Okay,
these four are very special case. So इनको actually नाम दिया गया particular, उनको हम बोलते हैं stereo spiral, okay? और myelioline coiling, okay? These two terminologies generally used for special type of coiling, streptospiral और myelioline spiral, okay? MILIOLINE. आप ये टर्मोलॉजी बहुत देखोगे, मिलियोलाइन एंड स्ट्रेप्टो स्पाइरल कॉइलिंग. सो इसमें क्या होता है गाइस कि ओके आई हैव टू राइट डेफिनेशंस आल्सो राइट. सो लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड. दीज आर दी सम स्पेशल केस. इसमें कॉइलिंग है बट दे आर क्वाइल इन डिफरेंट मैनर. ओके, ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वाइलिंग शो करते हैं. सो दीज आर दी स्ट्रेप्टो स्पाइरल, ऑल्सो नोन एज दी मिलियोलाइन क्वाइलिंग. ओके, सो राइट डाउन इन दिस केस टेस्ट हमारा हार्ट पार्ट इज made up of continuous spiral and chamber. Okay, spiral and chamber are added at angle, right? अब इसका मतलब क्या है? Suppose एक ये test है, ओके, एक पर्टिकुलर टेस्ट है. ये स्पाइरल भी कर रहा है. स्पाइरल कैसे शो करेगा? ऐसे शो करेगा या ऐसे शो करेगा, जैसे भी स्पाइरल शो कर रहा है. बट जब ये स्पाइरल शो कर रहा है तो एक ऐड कर रहा है, क्या एक नया चैम्बर ऐड कर रहा है. और वो कैसे ऐड कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चेंज कर रहा है. ओके, सपोज एक और हमारा बना. ओके, सी हियर, ओके, दिस इज प्रोलोकुलस. फिर एक चैम्बर का डेवलपमेंट हुआ, दूसरा चैम्बर का डेवलपमेंट ऐसे हो गया. ओके, सो दे आर मेकिंग अ डिफरेंट एंगल. यहाँ पे तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल में सारे वो मिल रहे थे चैम्बर. ओके, यहाँ पे भी आपको ऐसे प्रो मिल रहे थे, लाइक उसमें ट्राई स्पाइरल, बाई स्पाइरल. ओके, बट हियर दे आर मेकिंग मेक अ पर्टिकुलर एंगल. एक आपको पर्टिकुलर एंगल पे आपको ऐसे बनते हुए दिखेंगे. एंड जनरली दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर प्लेनी स्पाइरल प्लेन. अब प्लेनी स्पाइरल प्लेन को कैसे मेंटेन करेंगे? सो दे आर मेकिंग अ सर्कुलर. ओके, जैसे प्लेनी स्पाइरल में समहाउ दे आर मेकिंग सर्कुलर, पर सारे सर्कुलर नहीं शो करते. प्लेनी स्पाइरल तो जनरली एक ही प्लेन में होता है ना, तो दे आर मेकिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन. सो दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइलिंग. ये मीन्स जनरली अल्टरनेट डायरेक्शन में. एक यहां बना तो अल्टरनेट डायरेक्शन में भी आपको ऐसे क्वाइलिंग दिख सकते हैं. ओके, लाइक दिस, ऐसे भी आपको क्वाइलिंग दिख सकती है. और अगर आप इसको अपर व्यू देखोगे तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे कुछ फॉर्म मिलेगा आपको सर. ओके, तो आपको इसको साइड व्यू में आपको ऐसा दिख रहा है. सो दीज आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाइलिंग विच इज नोन एज स्ट्रेप्टो स्पाइरल और मिलियोलाइन. ओके, सो इनके अंदर हमारे चार पांच एग्जाम्पल आ जाते हैं, विच इज दी फर्स्ट वन इज दी biloculine, this is CU, okay, biloculine. Second one is the triloculine, and third one is the quinquiloculine, okay, Q-line. So, इनके सारे example हैं. वी सी कि ये कैसे फॉर्म होते हैं और ये कैसे इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे वेरी होता है. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन जस्ट सी. ओके, बाइलोक्यूलाइन और इनका एग्जाम्पल है बाइलोक्यूलिना. दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द काइंड ऑफ क्वाइलिंग. ये क्वाइलिंग जनरली हमको बाइलोक्यूलिना में मिलता है, इसीलिए हम इसका नाम ही रख दिए. यहाँ पे क्वाइलिंग वर्ड भी यू कैन एड. ओके, सो बाइलोक्यूलाइन क्वाइलिंग. अब ये क्वाइलिंग होती कैसी है, यू कैन सी.
दिस इज द फर्स्ट चैम्बर इनिशियल वन, ओके। इसके जस्ट अल्टरनेट अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, सो यू कैन सी दीज आर दी फॉर्म एट दी 180 डिग्री, ओके। जस्ट 180 डिग्री पे एक चैम्बर बना, दूसरा चैम्बर अगर आप इसको बी से भी डिवाइड करके देखोगे तो ये 180 डिग्री शो कर रहा है, राइट, 90 और ये 180, ऐसे 180 डिग्री, राइट। इसके भी इधर 180 डिग्री, क्लियर। अब एक चैम्बर क्या फॉर्म हुआ, एक ऐसे फॉर्म हुआ, फिर दूसरा जस्ट अल्टरनेट उसके 180 डिग्री पे बड़ा फॉर्म हुआ, फिर एक और चैम्बर फॉर्म हुआ, फिर उसके जस्ट अल्टरनेट दूसरा फॉर्म हुआ, ओके। फिर ऐसा करके बहुत सारे चैम्बर फॉर्म होते हैं, तो जनरली दे आर मेकिंग एंगल 180 डिग्री। पर्टिकुलर ये बायलोक क्यू लाइन में हमें मिला है कि द चैम्बर्स आर अल्टरनेट ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन दिस टू चैम्बर इज जस्ट अ 180 डिग्री, क्लियर। किसी को डाउट? यस मैम, वो पेज में थोड़ा जाएगा जहां पर वो अपने वो स्क्रिप्ट स्पाइरल के बारे में लिखा, दिस वन? हाँ मैम वो, ओके दिस वन, वो क्वीन क्यूलिना के क्या होता है वहां पर कि पांच चेंबर कुछ ऐसे होता है। हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट, ओके। हम देखेंगे बाइलोक्यूलाइन, ट्राइलोक्यूलाइन एंड क्वीन क्यूलिना, ओके। इसमें भी पांच चेंबर डिवाइड होते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, राइट। तो यहाँ पे आपको टू चैम्बर मिलेंगे। इन शॉर्ट यू कैन रिमेम्बर हियर द टू चैम्बर्स form at the just alternate to each other, and here three chambers, right? अगर suppose I make the image, यहाँ पे एक 180 degree का अगर angle बनाएंगे तो these are the two chambers, generally one chamber, two chamber, but here in the case of the triloculina, एक chamber, दो chamber, and these are the three chamber, right? अब इनको divide करोगे 20 से like this, okay? So, three chamber. And quinquilina, quinquiloquilina में क्या होगा कि एक दो तीन चार पांच, ऐसा पांच चैम्बर और दे आर गोइंग टू डिवाइड लाइक दिस, ओके। सो हियर यू हैव टू रिमेम्बर बाइलोक्यूलिना में 180 डिग्री, ओके। दीज आर दी एक्चुअली मेकिंग 180 डिग्री दो चैम्बर के बीच, एंड दिस वन इज दी ट्राइलोक्यूलिना विच इज मेकिंग जस्ट 130 डिग्री, ओके। And here, this is generally making 70 to 72. This is may be vary 70 to 72, okay? 70 to 72 के बीच में. These are the particular angles. So actually, they may ask the questions. GSI और GATE में कुछ भी पूछते हैं. Net में भी बहुत सारा unique questions लाते हैं, right? So ये questions आ सकता है. You have to focus on these point. बेसिक क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, अगर ये आएगा तो सबको नहीं, सबसे नहीं बनेगा, राइट। सो दिस इज वेरी मच गुड फॉर अस कि हमें ये चीजें पता है, वी कैन स्कोर अच्छे मार्क्स, राइट, फ्रॉम दी अदर्स, बिकॉज अदर्स मे वी डोंट नो दीज थिंग्स, राइट, कि बाइलोक्यूलिना में और ट्राइलोक्यूलिना में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो यू कैन रिमेम्बर बाई इज फ्रॉम कम्स फ्रॉम द टू वर्ड, और दिस वन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द माइलो मिलियो लाइन्स, ओके। बाइलोक्यूलिना से एक्चुअली दीज आर द मोस्ट सिमिलर, दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इनके अंदर ये आप यू कैन सी दीज आर द स्पेशल केसेस, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस टर्मोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स के अरेंजमेंट दिखने को मिलते हैं। सो ये अभी हम देखेंगे सारे बाइलो, ट्राइलो और क्विंक्यूलिना, ओके। सो वी आर हियर। हेलो मैम, ट्राइलोक्यूलिना में एंगल 120 होता है, 130 होता है? 130, दिस इज 130, ओके। एक्चुअली द एंगल इज आपको देखो, अगर अमलदास में देखोगे या पीसी जैन में देखोगे या फिर गूगल के थ्रू जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा वेरी मिलेगा, बट दिस विल बी द टोटली करेक्ट वन, ओके। 180 डिग्री, 180 आप देख सकते हो, आपको ये इमेज में भी दिखेगा एग्जैक्टली 180, राइट। इसके 180 यहां से भी लोगे तो 180, द एंगल बिटवीन दिस टू चैम्बर विच इज प्रोमिनेंट एग्जैक्टली 180, ओके। द सेल्स आर जो सेल यू कैन सी द चैम्बर,
विच इज डिवाइडेड बाई 180। बट और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी तो आप देख सकते हो कि वन लाइन से, बट दिस इज एक्चुअली डिफरेंस। यहाँ पे अल्टरनेट बैंड फॉर्म हो रहा है, बैंड नहीं सॉरी चैम्बर्स अल्टरनेट फॉर्म हो रहे हैं। अगर इफ यू ड्रॉ दिस, वेट, ओके, दिस इज फर्स्ट चैम्बर, दिस इज सेकेंड चैम्बर, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। बट यू कैन सी दिस इज ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5। But what is difference here and here? Actually, जो हमने अभी involute और evolute देखे ना, वो terminology I am going to use here. Okay? Here you can see outer image. This is actually here like this. इसका जो हमें outcome मिलेगा, अगर हम इसको side view, externally view देखे, अभी तो ये आपको internally दिख रहा है, right? Internally view दिख रहा है आपको. But अगर externally view देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? Let's see. This is exactly like this. ऐसा ये, this is the external view, this is the aperture and this is the next wall. ऐसा ये दिख क्यों रहा है? And why this is the different from this one? Because this is the quite involute in nature. Okay? ये जो inner walls हैं, they are going to embarrass or you can say just enclosed by this outer wall. Outer wall ने इसको पूरा छुपा दिया, ये बिल्कुल अंदर की तरफ ही चले गए। इसके अंदर भी ऐसे होगा, इसके अंदर यहाँ पे, ओके, बस जस्ट आपको ये बड़ा वाला एक्सटर्नल सेल विजिबल हो रहा है, एक्सटर्नल टेस्ट और चैम्बर यू कैन सी। सो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। बट इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अगेन लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे जो अंदर है ना वो बिल्कुल ही अंदर है, वो छुप चुका है। बट इन दिस केस यू कैन विजिबल द अनदर सेल्स, दिस वाला, ये वाला आपको चैम्बर यहाँ दिख रहा है, ये वाला चैम्बर यहाँ दिख रहा है और ये आउटर वाला चैम्बर, राइट? ये वाला चैम्बर इसके अंदर गया और ये बाहर वाला चैम्बर। दिस इज द रियल इमेज ऑफ द सेम, यू कैन क्लियरली सी आपको सारे चैम्बर्स इसमें दिख रहे हैं, राइट? बट इनके केस में आपको चैम्बर नहीं दिख रहा है, इसके केस में आपको सिर्फ दिस वन एंड टू, दिस इज वन एंड टू, आपको बस ये वाले दिख रहे हैं, राइट? बट हियर यू कैन से इफ वी आर नंबरिंग दिस चैम्बर 1, 2, 3, 4, 5, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, ओके, आपको सारे चैम्बर, जस्ट आप काउंटिंग पे ध्यान मत दो, बट यू कैन सी ऑल चैम्बर्स, राइट? बस इन द केस ऑफ बाइलोक्यूलाइन और बाइलोक्यूलिना में आपको सिर्फ दो चैम्बर दिखेंगे, विच इज द आउटर वॉल, ओके? जो हम टर्मोलॉजी वहां पे इन्वोल्यूट और इवोल्यूट वर्ड यूज किए थे, ओके, दे आर गोइंग टू एम्बैरेस द इनर वॉल, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? नाउ क्लियर राहुल? यस मैम। ओके, सो दिस इज डिफरेंस। एंड बाइलोक्यूलाइन में आप बस ये याद रख सकते हो कि टू चैम्बर, ओके, दिस टू चैम्बर। एंड स्पाइरोक्यूलाइन में आप बहुत सारे चैम्बर। सो दिस इज एक्चुअली, इसमें और क्या डिफरेंस है? जस्ट अल्टरनेट टू ईच अदर, एक चैम्बर बना, जस्ट इसके अल्टरनेट दूसरा चैम्बर, देन अगेन दूसरा, तीसरा, ओके, ऐसे बन रहा है। सॉरी, ये तो ये हो गया, बाइलोक्यूलाइन हो गया। सी डायग्राम कितने इंपॉर्टेंस है, राइट? डायग्राम से भी आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। दिस इज द इनिशियल चैम्बर एंड इसके जस्ट अल्टरनेट, ओके, ऐसे बन रहा है, ओके, this is actually, this will be the first prolocus, this is the second chamber, this is third chamber, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is seventh, ऐसे करके आपको just spiral के रूप में मिलेंगे। कि spiral आप ऐसे remember कर सकते हो कि center से बहुत सारे spire निकल रहे हैं, right? just but ये alternate direction में निकल रहे हैं, just opposite to it, okay? एंड इसमें भी आपको 180 डिग्री ही मिलेंगे, यहाँ से भी अगर 180 करोगे तो 180, बट डिफरेंट इज दिस थिंग, एंगल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको 180 मिल रहा है, यहाँ से 180, बट द डिफरेंट इज हियर, द इनर वॉल इज टोटली एम्बैरेस्ड, इनर वॉल इज एम्ब्रेसेस और यू कैन से इनक्लोज्ड। Actually, these terminology use enclosed or you can say enveloped.
दिस थ्री टर्मोलॉजी, अगर आप सारे बुक्स में देखोगे तो आपको यही तीन टर्मोलॉजी आपको मिलेंगे, एम्ब्रेसेस, इनवेलप्ड और इनक्लोज बाय आउटर वॉल. ओके, एंड यहाँ पे कोई इम्ब्रेसिंग नहीं मिल रहा है. ओके, नो इम्ब्रेसिंग. And all chamber are visible. Here only outer chamber are visible. यहां लिख रही हूं outer two chamber. Bilo इसी से आया है, two chambers are visible, right? This is done. ओके, सो लेट्स कम हियर, ट्राइलो क्यू लाइन. ओके, सेम चीज बाइलो में जो है एग्जैक्टली वही है. यू कैन सी इमेज आर क्वाइट कॉमन, राइट? बट आपको बस क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तीन सेल्स आर विजिबल, वन टू एंड दिस इज द थ्री. थ्री सेल्स आर विजिबल और आपको जस्ट अल्टरनेट में यहाँ पे एक चैम्बर, दो चैम्बर, बट यू कैन सी एक, दो, तीन. ओके, बीच में हमारा प्रोलोकुलस. यहां से आप यू कैन जस्ट मेक अ एंगल. ओके, एंड ये एंगल कितना है? दिस इज जनरली 130 डिग्री, यहां से 130. ओके, एक्सक्यूज मी मैम, इट शुड बी 120. ओके, टू कंप्लीट 50 डिग्री इट शुड बी 120. एक्चुअली आई फॉलोड टू डिफरेंट बुक, राइट? एक आपको बता, ब्रो सीमा और ब्रेजर. सो this actually angle is quite different. Okay, you can see. Okay, 220, right? So you can make, this is the three triloque line, means three chamber which is just generated alternate to the proloculus. Proloculus se ek chamber do, like alternate these three chambers are forming, right? And these are chambers generally divided or making an angle 120 degree. Okay, एंड अगर आप इसका सेक्शन देखोगे, दिस इज अगेन सेम इमेज. दिस इज वन चैम्बर, दिस इज सेकेंड चैम्बर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो ओनली थ्री चैम्बर्स आर विजिबल बाय एक्सटर्नली. एक्चुअली ओवरऑल तो हम एक्सटर्नली ही देखेंगे ना, हमें कोई फोर्सेस मिलेगा तो वी आर गोइंग टू सी बाय एक्सटर्नल. इंटरनल के अंदर तो जा नहीं सकते, एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी तो बची नहीं है. सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द एक्सटर्नल पार्ट विच इज जस्ट फॉसिलाइज्ड. So they are generally showing 1, 2, 3 chambers, right? And why we are looking just only three chamber? हमें तीन chamber ही क्यों दिख रहे हैं? You can see यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. Okay, five chambers are there, but why we are seeing only three chamber here? Anyone want to answer this? Repeat, please. Actually, I'm asking ki this is, you know, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Six chambers are there, but why we are looking or why we are seeing just three chambers externally? By just looking the particular triloque line, you can see only three chambers is there. Why this is so? Only 1, 2, 3 chamber. Maybe it is involute. Exactly. This is the same reason behind here. यहाँ पे दो chamber only visible because all the inner walls are the enclosed. And here all walls are again except these three, all inner walls are the enclosed by this inner walls, right?
बाई दिस आउटर वॉल, सॉरी आउटर वॉल ने ही सारे इनर वॉल्स को बिल्कुल हिडन कर दिया, बिल्कुल हाइड कर दिया. सो दिस इज एक्चुअली अ ट्राइलोक्यूलाइन. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. एक्चुअली नाम ही पड़ा है इनका एग्जाम्पल की वजह से. ओके, दीज आर दी पर्टिकुलर क्वाइलिंग, ट्राइलोक्यूलाइन क्वाइलिंग एंड द पर्टिकुलर स्पीसीज इन द फोरम्स विच वी शोइंग दिस टाइप ऑफ द क्वाइलिंग इज नोन एज द ट्राइलोक्यूलिना. Triloculina is basically a forums, and this is basically a coiling showing by this triloculina. So last one is the okay. These are the actually the another image. This is the from the Amaldas, right? You can see this. This is quinquiloculina. Okay, you can see this is the five chamber, and these are the triloculine 1, 2, 3. Biloculine 1 and 2, 1 and 2. Okay, so let's write the definition of this one. Okay, first write the biloculine. All chambers are embracing, or you can say just enclosed or enveloped by the outer two walls. So that's why only two walls are visible. 120. Okay, I have to check. This is actually 120. This is done, guys. Okay, so this is last here, the arrangement of the chamber, right? Ab arrangement kaise hua? Let's see. Actually, you know this two terminology, which is again I am repeating. First one is the spire. यहाँ पे spire है, and opposite to it, this is the umbilicus, okay, or umbilical or depression zone. So these are the showing plano-convex, right? So plano is showing generally spiral side is the plane. जो spiral है, this is not a elevated part. Spiral is generally just a plane, okay, and the aperture side, which is just here, umbilical side, which is just showing the convex. Okay, so that's kind of the structure is, or that's kind of the arrangement of the chamber is known as the plano convex. Yeah, apne cephalopod mein bhi aise, bivalves mein bhi ye classification padha hoga, guys, if you remember. So spiral side, you have to remember. In this image, you can see the spiral side is here. Okay, yahan se spiral hua, which is quite plain. And the just aperture side, okay, this is forming a convex side. So you have to just remember kaise arrangement hota hai, right? And this one is the biconvex. The both spiral and aperture side is the convex in nature. Agar isko hum agar side view dekhenge, to it should be formed like a lens shaped, okay? Lens shape mein aapko dikhega. Because these are the curved ones. This is the showing convex side. Both side are the convex. So side view should be like a lens one. Okay. So this is not important that much. Just you have to know कि ये कैसे vary करते. अगर आपको कोई बोले कि umbilicus is always depression और ऐसा कोई case है तो नहीं. You have to know कि spiral should be maybe sometime plane or sometime elevated, right? So next one is the, you can see the coiling pattern. Okay, so ye coiling pattern kaise show karta hai, let's see. Dextral coiling, which is generally show right hand side, okay, or clockwise. So ye hum kaise differentiate karte hai ki a particular forum is like a dextral one or sinistral one. So dextral, just you can understand right hand side, okay, RHS, and this is the LHS, okay, left hand side.
सो सपोज अगर आप जैसे किसी भी फाइलम को अगर आपको जस्ट यू गो फॉर द स्टडी और किसी पर्टिकुलर फाइलम को अगर आप हैंड स्पेसिमेन उसका देखते हो और ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हो लाइक जस्ट प्रिपरेशन प्रैक्टिकल में आप जब भी कोई चीज किसी भी फाइलम की स्टडी करते हो तो यू हैव टू हैंडल अ पर्टिकुलर फाइलम इन स्पेसिफिक पोजिशन राइट. जैसे आप अगर आपको गैस्ट्रोपॉड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैंडल करना है फॉर द स्टडी तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट पार्ट इज हियर अपर्चर एट द टॉप एंड हियर द दिस इज द दिस इज द अपोजिट टू द अपर्चर ओके सॉरी एपेक्स से ये क्या इस पोजिशन को क्या बोलेंगे एपेक्स एंड पोस्टीरियर पार्ट राइट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आई एम कंफ्यूज एक्चुअली एपेक्स ओके आई हैव टू जस्ट फॉर पोजिशन सो यू हैव टू हैंडल लाइक दिस सो दैट अपर्चर शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ. अपर्चर का फेस आपके साइड होना चाहिए राइट तभी हम उसके फर्दर स्टडी करते हैं. सो हियर एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आपको जो हमारा फोरम्स है उसका अपर्चर शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ राइट तभी उसको ऐसे इस टाइप से हैंडल करो कि अपर्चर का फेस आपके सामने हो. सो डेक्स्टर और सिनिस्टर कैसे देखेंगे सपोज दिस इज द फोरम एक दिस इज द फोरम राइट और अगर आपको वहां से पहले सेंटर से डिवाइड करो दिस इज एल एच एस दिस इज आर एच एस ओके एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर द अपर्चर एंड विच साइड अपर्चर इज लाइन. सो अगर अपर्चर आपको इस साइड दिखता है सो दिस विल बी द डेक्स्ट्रल एंड क्वाइलिंग शुड बी लाइक क्वाइलिंग आपको कैसे होगा क्लॉक वाइज राइट क्लॉक वाइज होगा बट द इन केस ऑफ द सिनिस्ट्रल द क्वाइलिंग शुड बी एंटी क्लॉक वाइज राइट जस्ट अपोजिट टू इट एंड अपर्चर अगर यहाँ दिख रहा है तो इट विल बी द सिनिस्ट्रल वन. यू कैन सी दिस इज द डेक्स्ट्रल अगर जस्ट डिवाइड करो दिस इज द RHS, right? The aperture should be at the right position. And this is, will be the LHS. And here also sinistral. This is LHS and this is the RHS. Okay? So actually the aperture ka ye direction kaise change hua? The direction of aperture should be depend upon the coiling. Okay? Coiling kaise hai? Coiling ka type kya? Uski wajah se humara aperture change ho raha hai. Agar aperture clockwise hai, to it should be showing डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग राइट. डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड में आपको राइट हैंड साइड में आपको अपर्चर मिलेगा एंड क्वाइलिंग शुड बी क्लॉक वाइज. क्लियर रिपीट द लास्ट वन ओके सिनिस्ट्रल वन ओके. सो इफ यू हैव अ फोरम्स ये आपको सारे ये जो क्राइटेरिया फॉर द स्टडी और हैंडलिंग अ पर्टिकुलर फाइलम दिस इज द काइंड ऑफ क्राइटेरिया ओके. आप हैंडल कैसे करोगे अगर आपको फोरम्स दिया जाए तो यू हैव टू सी द अपर्चर शुड बी योर सेल्फ. आपके अपर्चर का व्यू आपके सामने होना चाहिए. अगर अपर्चर का आपको दिख रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है इट मीन्स आप उसको बोलोगे सिनिस्टर क्वाइलिंग और अगर यही अपर्चर आपका इस साइड है तो यू कैन कॉल इट एज द डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग मीन्स राइट हैंड साइड. बट ये एक्चुअली में अपर्चर किस पे डिपेंड होता है दिस इज द डिपेंड अपॉन द क्वाइलिंग पैटर्न. सो डेक्स्ट्रल में आपको मिलता है क्लॉक वाइज ऐसे होता है राइट ऐसे बट इन दिस केस सॉरी एंटी क्लॉक वाइज जस्ट अपोजिट टू द क्लॉक वाइज ओके. सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर द क्वाइलिंग पैटर्न. सो अपर्चर इज ऑलवेज देयर अपर्चर तो मस्ट है बट आपको हर केस में अपर्चर का साइज शेप और इवन शेप इज ऑल्सो डिफरेंट. आपको एक ऐसे अपर्चर दिखेगा जस्ट विच इज लाइक क्रिसेंट मून राइट क्रिसेंट मून जैसा दिखता है तो उसको हम स्लिट बोलते हैं स्लिट अपर्चर ओके. एंड यू कैन सी दिस इज द क्वाइट प्रोमिनेंट और बहुत बड़ा अपर्चर है दिस इज क्वाइट बिगर ओपनिंग इज देयर. सो अपर्चर का भी वो भी क्लासिफिकेशन है वी विल सी विच इज एक्चुअली द बेस ऑन देयर द शेप और साइज ऑफ देयर अपर्चर. कुछ अपर्चर जो बहुत लॉन्ग होते हैं और दे आर मे बी जस्ट जो अदर अदर चैम्बर है उनको भी अफेक्ट करते हैं राइट
and some are the aperture which is very much small. This is just like a moon, crescent moon. तो उनको slit chamber बोलते हैं और slit aperture बोलते हैं. Anyone, any doubt till now? Actually, this is the coiling pattern which is very much important in the gastropod. वहाँ पे हम sinistral और distal coiling देखते like fissa or plan orbis which is generally sinistral which is very much important. This question is generally very much asked question, right? Sinistral coiling pattern. प्लेन ऑर्बिस एंड फाइसा जनरली शोइंग सिनिस्टर. बाकी डेस्ट्रल तो ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट्रोपॉड लाइक गेस्ट्रोपॉड में ये हमारा डेस्ट्रल बहुत कॉमन है. सो आई डोंट थिंक कि फोरम से ये क्वाइलिंग के क्वेश्चन आएंगे, बट अगर क्वाइलिंग का आपको पढ़ना है तो यू शुड गो गेस्ट्रोपॉड्स. ओके, क्वाइलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द फोरम्स. ओके गाइज, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट सो लेट्स बाइंड अप दिस क्लास. Okay, this is almost 8:48. I think there is another class. Okay, ma'am, sir ne bola tomorrow honge. Okay. Okay, then aaj ke liye itna hi. Okay, guys. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Good night, ma'am. Good night.